हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं हूं कुणाल लोहारे और मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सो गाइस, जो आज का जो टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। इसका मतलब, इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है कि जी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो ऐसी होनी चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि जी जो पूरे यूजर्स, जितने भी अकाउंटिंग यूजर्स है, जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स है जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, उनको क्या हो पाए, उनके लिए बहुत यूजफुल हो पाए। इसलिए मैंने लिखा भी, एट्रीब्यूट दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द यूजर्स। तो जी, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हम लोग को ये पढ़ना है कि भाई जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि जी जो यूजर्स हैं उससे इजिली उनके लिए वो यूजफुल हो। राइट, तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 पॉइंट्स लिखा है, 1, 2, 3, 4। तो जी इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। जी सबसे पहला है रिलायबिलिटी। तो जी ये क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बाइस। बाइस मतलब होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है अनफेयर। ये क्या होना चाहिए, ये अनफेयर नहीं होना चाहिए। राइट, ये फेयर होना चाहिए। जी जो भी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आप रिकॉर्ड करते हैं वो अनफेयर नहीं होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए। वेरीफाइबल मतलब जी उसका एक एविडेंस होना चाहिए। जी अब जी आप कोई शॉप में जाते हैं, अब जी जैसे शॉप में जाते हैं तो वो कुछ भी सामान वहां से खरीदते हैं, वो आपको क्या देता है, एक बिल देता है। राइट, तो जी वो क्या हो गया, एक एविडेंस हो गया, एक वेरीफाई हो गया कि हाँ भाई आपने जो सामान खरीदी थी इस डेट पे खरीदी थी, ये वाली सामान खरीदी थी, और उसका वो बिल दे देता है आपको। तो एक वेरीफाई हो गया, एक एविडेंस हो गया, है ना। तो जी वैसे जब भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें यूजर्स को, तो वो क्या होनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए कि जिसको यूजर्स देख के बोले हाँ भाई ये एक एविडेंस है, मतलब ये सही है। राइट, अब जी जो थर्ड पॉइंट है, नो मटेरियल एरर। अब जी मान लीजिए आपने सामान 5 लाख का लिया, अब जी आप उसको जब भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 10 लाख से उसमें लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक मटेरियल एरर हो गया। तो जी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में नो मटेरियल एरर, मटेरियल एरर नहीं होनी चाहिए। राइट, तो जी जो अब सेकेंड है रेलिवेंस। इसका मतलब क्या होता है जी, मीट द नीड ऑफ द यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग। बहुत इजी है, इसमें क्या है, ये पॉइंट क्या कहता है कि भाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि यूजर्स को समझ में भी आए और जी जो उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाए। ठीक, जो भी यूजर्स है उसकी हेल्प से कुछ भी डिसीजन ले पाए, ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब जी जो थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट द यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। मतलब ये कह रहा है कि भाई जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप देते हो, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप देते हो टू द यूजर्स, वो क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। मतलब यूजर्स उसे इजिली अंडरस्टैंड कर पाए, वो ऐसे जान पाए कि भाई ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इसमें आखिर लिखा क्या है। ठीक, वो इजिली अंडरस्टैंड उसे कर पाए। तो जी तो थर्ड पॉइंट है वो यही कहता है कि एक यूजर्स आर, देखिए प्रेजेंटेड मतलब एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी प्रेजेंट होनी चाहिए कि भाई जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग, जो पिछले लेक्चर्स में आपको यूजर्स के बारे में बताया था, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स, नहीं देखा है तो देख लेना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो जी तो वो यूजर्स को अच्छे से, मतलब यूजर्स उसे देख के अच्छे से समझ पाए, बस यही कहानी है यहाँ पर। अब जी जो फोर्थ है कंपेरेबिलिटी। जी इसका मतलब है कि यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्म और इंटरप्राइजेस। मतलब जी इसमें यही कहा गया है कि जी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जब यूजर्स को प्रोवाइड होती है तो जी यूजर्स उसको देख के इजिली अंडरस्टैंड, मतलब उसे कंपेयर कर पाए। राइट, जैसे 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 देखिए मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वेट। जी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है प्रीवियस ईयर, ये है पास्ट ईयर। राइट, यह है करेंट ईयर, यह है पास्ट ईयर। तो जी जो भी यूजर्स है, यूजर्स वो क्या कर पाए, देख पाए कि भाई पिछले बार से इस साल या फिर आने वाले कुछ सालों में क्या करना चाहिए, या पिछले के पिछले साल में मतलब जो अकाउंटिंग थी वो क्या शो कर रही थी। तो एक तरीके से यूजर जो है उसे कंपेयर कर पाए, तो जी वैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक यूजर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। जी इसलिए यहाँ पर जी ये जो कंपेरेबिलिटी है ये 2 टाइप्स के रहते हैं, इंटर फर्म कंपेरिजन और इंटर फर्म कंपेरिजन। इसका मतलब, इंटर फर्म कंपेरिजन का मतलब होता है जब जी दो फर्म एक दूसरे को, मतलब बेसिकली इसमें क्या रहता है कि जब एक फर्म कंपेयर कर सके प्रॉफिट एंड लॉस कोई अदर फर्म के साथ। ठीक है, कि उसकी फर्म ने
प्रॉफिट कितना कमाया और मेरी फर्म ने कितना कमाया, उसकी फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमाई तो कैसे कमाई, हमारी फर्म ने ऐसा क्या कर दिया कि हमारा जो प्रॉफिट है कम हो गया, तो हम इसे कैसे बढ़ाया जाए। तो जी इंटर फर्म कंपैरिजन ये होता है। ठीक, अब जी इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब जब जी एक फर्म अपने आप को चेक करती है पिछले साल से और अभी से या आने वाले साल में कि कैसे किया जाए, मतलब जी एक फर्म है अभी करंट ईयर में वो चेक करती है कि पिछले बार उसने प्रॉफिट एंड लॉस कितना कमाया या उसके पिछले से पिछले साल में कितना कमाया। ठीक है, तो वो क्या करती है, कंपेयर करती है, एक रिजल्ट लाती है कि भाई पिछले बार से इस साल प्रॉफिट ज्यादा है या पिछले बार से इस साल प्रॉफिट कम है। तो एक तरीके से वो अपने आप को कंपेयर करती है। ठीक, तो जी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यही कहता है कि भाई ऐसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कि जी जो यूजर्स है उसके लिए वो बहुत यूजफुल रहे। ठीक, तो वो क्या होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबेंस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। राइट, तो ये है जी फोर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। गाइस मैं इसी के साथ चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, गाइस प्लीज मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय।